परिजात, परिजात में औषधीय गुण, परिजात से पहचान। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों एवं बुजुर्गों, आज मैं एक दिव्य औषधि परिजात के गुणों से भरपूर पौधों को रूप में दिखा रहा हूँ। परिजात के फूल सफ़ेद होते हैं, और फूलों के मूल में नारंगी रंग का जैसा होता है। परिजात के पत्तों चौरा नुकीला आगे से, परिजात फल चिपटा होता है। नंबर दो, परिजात के उत्पत्ति। धर्मशास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार परिजात के पौधे को श्री कृष्ण भगवान ने इंद्रलोक से लाया था। वेदों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें समुद्र मंथन में बहुत प्रकार के वस्तुएं निकला था। जैसे हीरा, मोती, अमृत, कलश आदि, उसी मंथन में परिजात का पौधा भी निकला था। नंबर तीन, परिजात की उत्पत्ति। परिजात के विशेष गुण। परिजात के पौधे को नजदीक विश्राम करने से बुद्धि बल बढ़ता है। नंबर दो, परिजात के पौधे से नकारात्मक ऊर्जा घटती है। नंबर तीन, परिजात के पुष्प अत्यंत कोमल और सुगंधित होता है। नंबर चार, परिजात के पुष्प रात में खिलता है और सूर्योदय होते ही झड़ जाता है। परिजात के पौधे शीतल और शक्ति प्रदान करता है। परिजात में औषधीय गुण। परिजात में औषधीय गुण बुखार, खांसी, कफ, पित्त और वायु पर नियंत्रण करता है। यकृत, गुदा को बल देता है। संधिवात, गठिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बवासीर, हृदय रोग, चर्म रोग, दामा, बालों को झरना, गंजापन, शटिका, आर्थराइटिस, शरीर का ठंडा होना, टेढ़ा मेढ़ा होना आदि रोगों में रामबाण काम करता है। परिजात का अंतिम स्थिति में काम किया जाता है तथा पुराने से पुराने रोगों में काम करता है, आर्थराइटिस के भी ठीक करता है। मूत्र रोग में बूंद बूंद कर पेशाब होना, सूजन, दर्द से सेवन करने से लाभ होता है। नंबर सात, सेवन विधि। परिजात के पत्तों को उबालकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम खाली पेट में पीने से विशेष लाभ होता है। नंबर क, बुखार, खांसी, कफ, दमा, टीबी, यकृत, गुर्दा, गठिया, जोड़ का दर्द में ठीक करता है। नंबर ख,
पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर एक गिलास पानी में धोकर गर्म करें। जब आधा गिलास पानी बच जाए तो ठंडा कर छान कर पिए। पुराना से पुराना बुखार चिकनगुनिया को ठीक करता है। बीज को प्रतिदिन खाने से आधा घंटा पहले पीस कर पिए। बवासीर ठीक होता है। पारिजात के बीज को पीस कर मसे में लगाने से लाभ होता है। पारिजात के फूल को पीस कर चर्म रोग में लगाने से ठीक होता है। फूलों को पीस कर मधु के साथ चाटने से खांसी ठीक होता है। नंबर 12, पारिजात के पत्तों को पीस कर पान के साथ खाने से कफ दमा को ठीक करता है। नंबर 13, बालों को झड़ना और गंजापन को दूर करने के लिए पारिजात के पत्तों को पीस कर लगाने से झड़ना और गंजापन दूर होता है। सटिका के मरीज पत्तों को गाढ़ा बना कर पिए। आर्थराइटिस ठीक होता है। नंबर 15, कोई दवा नहीं काम करे तो पारिजात के पौधे को से ठीक होता है। 13, मेढ़ा हो जाना पत्तों को काढ़ा बनाकर ठीक से पिए। यह औषधि अत्यंत अंतिम समय के लिए है। नंबर 16, 40 वर्ष पुराना आर्थराइटिस को ठीक करता है। नंबर 17, पेशाब में बूंद बूंद कर पेशाब होना ठीक करता है। किसी प्रकार के सूजन में पंचांग या काढ़ा को पिए। एक या दो फूल पारिजात को और 5 से 7 फूल पत्तों तुलसी का मिलाकर चाय के तरह पिए। मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों, आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। साथ ही अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा घंटी को दबाना न भूलें। साथ ही दोस्तों को शेयर करें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। मेरा एक मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों तक लाभान्वित कराना। मैं डॉक्टर संत श्री कृष्ण भगत, परसौनी जिला सीतामढ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद।